एक गांव में दीपक नाम का एक किसान रहता था। उसकी धर्म पत्नी का नाम चंचल था। दीपक पेशे से किसान था और उसकी अच्छी खासी फसल भी उगते थे और उससे अच्छे पैसे भी मिलते थे। दीपक और चंचल के घर में वैसे तो सारी सुख और सुविधाएं थी, लेकिन बस एक ही बात का चिंता था कि दीपक और चंचल को अभी तक एक भी संतान नहीं हुए थे। उनके शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनका कोई भी अपना संतान नहीं था। दीपक और चंचल कई मंदिरों, कई हकीमों के पास जा चुके थे कि किसी भी तरह उन्हें एक संतान हो जाए, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। दीपक और चंचल धार्मिक स्वभाव के थे। पूजा पाठ करना उन्हें बहुत ही पसंद था और वह अपने संतान के लिए हमेशा पूजा पाठ करवाते रहते थे। दीपक और चंचल हमेशा इसी बात के लिए निराश रहते थे कि हमारा बच्चा कब होगा, कब हम भी माँ बाप कहलाएंगे। इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन चंचल की सबसे छोटी बहन अपनी दीदी के घर मिलने आई। चंचल को उदास देख करके उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी तुम उदास क्यों हो? जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ तुम उदास ही रहती हो। इस तरह से चंचल ने अपनी सारी परेशानी अपनी छोटी बहन से कहा। छोटी बहन ने कहा, दीदी बस इतनी सी बात है, हमारे गांव में एक महिला रहती थी जिसका 12 वर्ष शादी को हो गया था, लेकिन अभी भी उन्हें कोई भी संतान नहीं हुए थे। तब उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों, हकीमों में जा कर के जाँच करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब उन्होंने एक पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा, आपके घर में धन और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन आपके घर में संतान नहीं है, आप माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। अगर माता प्रसन्न हो गई तो शीघ्र ही आपके घर में एक नन्हा बालक आएगा। यह बात छोटी बहन के मुंह से सुनते ही चंचल ने भी मन में ठान लिया कि वह भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा करेगी। फिर क्या था, अगले ही दिन चंचल माँ वैभव लक्ष्मी का एक पुस्तक ला करके उसमें सारी विधि विधाने लिखी हुई थी। वह सारी विधि विधाने पढ़ करके अगला शुक्रवार से ही माँ वैभव लक्ष्मी का 11 व्रत करने का संकल्प ली। धीरे धीरे माँ वैभव लक्ष्मी का वह पूजा करने लगी। दोनों पति पत्नी शुक्रवार को पास के ही मंदिर में जा करके माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा पाठ किया करते थे। जैसे ही उन दीपक ने और चंचल ने अपने 7वें और 8वें शुक्रवार का व्रत किया, उसकी पत्नी शीघ्र ही गर्भवती हुई और धीरे धीरे वह लोग पूजा पाठ और भी मन से करने लगे। कुछ महीनों के बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। दीपक और चंचल बहुत ही प्रसन्न हुए और वह यह बात सबको बताई कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना कितना महत्व है। किसी भी तरह का घर में अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। दीपक और चंचल ने 11 शुक्रवार का व्रत करके उद्यापन किया। पूजा पाठ किसी भी तरह का हो, उद्यापन में गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। दीपक और चंचल ने गरीबों को भोजन कराया। अब वह गाँव में कुछ वस्त्र बांटे और खुशी खुशी माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कथा के बारे में सबको बताने लगे।
दीपक और चंचल का पुत्र बहुत ही तेजस्वी चेहरा वाला था, मानो जैसे देख करके ही उसके चेहरा से प्रकाश निकल रहा हो। इस तरह से दीपक और चंचल को संतान का सुख प्राप्त हुआ। वह अपनी बहन का बहुत ही शुक्रिया अदा की और उसे अच्छा से विदा की। इस तरह से दीपक और चंचल हमेशा माँ वैभव लक्ष्मी का गुणगान गाते थे। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा करके, आरती करके, उसके बाद ही कुछ भी अन्न का दाना ग्रहण करते थे। दोस्तों, आज का लक्ष्मी व्रत कथा यही था। मैं उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप सब ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से आप सभी के साथ एक नए किस्से को लेकर के। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।